इट्स मैं स्नेहा, वेलकम टू माय चैनल फॉर यू एंड अ चाइल्ड। अगर आप करवाने जा रहे हैं अपने नन्हे मुन्ने का एडमिशन क्लास नर्सरी में, तो पांच ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको कर लेने चाहिए तैयार, ताकि आपको लास्ट मिनट की भागदौड़ से बच पाए। कोई सा भी स्कूल हो, चाहे वो हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी भी शहर का हो या किसी भी स्कूल बोर्ड का हो, CBSE, ICSE, IB, कोई भी बोर्ड हो, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो हर स्कूल आपको एडमिशन फॉर्म फिलअप करते वक्त या एडमिशन के टाइम मांगता है, जिसकी चर्चा मैं इस वीडियो में कर रही हूँ। अगर आपको इस बात की जानकारी चाहिए कि कौन कौन से स्कूल बोर्ड इंडिया में है, उसकी क्या खास बातें हैं, तो उसके लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और आई बटन में मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं, कौन से पांच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको तैयार करना है एडमिशन के लिए। सबसे पहला होता है बर्थ सर्टिफिकेट। बर्थ सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, हर स्कूल आपसे ये मांगेगा, तो इसे आप जरूर तैयार करके रखें, क्योंकि यही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिससे स्कूल ये इंश्योर करता है कि जो मिनिमम एज उन्होंने डिसाइड किया हुआ है एडमिशन के टाइम, वो बच्चा फुलफिल कर रहा है कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाते वक्त पेरेंट्स ने बच्चे का नाम नहीं डिसाइड किया होता है, इसलिए उनके बर्थ सर्टिफिकेट में नाम का ऑप्शन ब्लैंक होता है, वहाँ पे कुछ भी फिल नहीं किया होता है। या फिर कई सिचुएशन में ऐसा होता है कि बर्थ सर्टिफिकेट बनाते वक्त पेरेंट्स ने बच्चे का कोई नाम डिसाइड किया था, लेकिन आगे कुछ महीनों के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि बच्चे का नाम कुछ और होगा, लेकिन वो नाम बर्थ सर्टिफिकेट पे उन्होंने अपडेट नहीं कराया होता है, तो इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए ये आप ज़रूर ध्यान रखें कि बर्थ सर्टिफिकेट पे जो बच्चे का नाम का कॉलम है वो ब्लैंक ना हो, और अगर जो भी नाम है वो सही हो, क्योंकि जो नाम बर्थ सर्टिफिकेट में मेंशन है वही नाम स्कूल के रजिस्ट्रेशन के टाइम स्कूल एक्सेप्ट करेगा, तो इसका आपको खासा ध्यान रखना है। दूसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है इम्यूनाइजेशन रिपोर्ट, जिसे बर्थ कार्ड भी कहते हैं, यानी कि जिस समय बच्चे का जन्म होता है उस टाइम से लेकर आगे आने वाले महीनों में या सालों में कौन कौन से टीके उनको लगे हैं या लगने चाहिए, उनकी डिटेल्स उसमें लिखी होती है। ये भी जो बर्थ कार्ड है हर स्कूल एडमिशन के टाइम आपसे मांगता है, तो इसे भी अपने पास रखें, कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स को इस बात की जानकारी नहीं होती है, और फिर बाद में जब एडमिशन के लिए मांगा जाता है तो उन्हें ध्यान आता है कि अरे वो बर्थ कार्ड तो हमारे होम टाउन पे है या मिल नहीं रहा, तो इसलिए आप इसे भी अपने पास तैयार करके ज़रूर रखें। तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है रेजिडेंस प्रूफ, ऑफकोर्स माता पिता का, जहाँ भी माता पिता रह रहे हैं वहाँ का कोई रेसिडेंस प्रूफ चाहिए, जिसके लिए आप पासपोर्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, वोटर आईडी, बिजली का बिल, गैस पाइपलाइन का बिल, रेंट एग्रीमेंट, कुछ भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। रेसिडेंस एड्रेस प्रूफ के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया है, जिसको आप मेरे चैनल पर जाके चेक कर सकते हैं। चौथा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड। माता पिता दोनों का आधार कार्ड होना ज़रूरी है, क्योंकि ये भी आपसे स्कूल मांगेगा। इसके साथ साथ कई स्कूल पैन कार्ड भी मांगता है, वो भी आप तैयार करके रख लीजिए। पांचवा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ। बच्चे की पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ आप निकलवा के रख लीजिए, 20-25 तो ज़रूर रख लीजिए, क्योंकि फॉर्म भरने के टाइम से लेकर एडमिशन के टाइम, उनके आई कार्ड बनने के टाइम, फॉर्म, बस फॉर्म फिलअप करने के टाइम, इन सब जगह पे बच्चे की पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की ज़रूरत आपको पड़ेगी। बच्चे के फोटोग्राफ के साथ साथ माता पिता की भी पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होने चाहिए। इसके अलावा अगर बच्चों को पिक एंड ड्रॉप के समय माँ बाप के अलावा अगर कोई ग्रैंड पेरेंट है या कोई और केयर टेकर है वो आता है, तो उसकी भी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये पांच इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे एडमिशन फॉर्म फिलअप कर रहे हो या एडमिशन के टाइम, इन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत आपको जरूर पड़ेगी। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करते हो इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके काम की होगी, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।